तो धीरू भाई उनको कह रहे थे कि क्लिंटन जी उनके लिए रिस्पेक्टफुली कह रहे थे कि मेरे लिए एक काम करिए, एक फेवर करिए। बोले क्या? ये मेरा स्कूल का दोस्त है और पाकिस्तान में जो भी नई रेजिम आई है मिलिट्री की, इसको मरवाएगी, इसको फांसी पे लटकाएगी, इसको पाकिस्तान से उड़ने दो, भागने दो, और आप इतनी बात दबाव डाल के उधर कहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये बोलते बोलते मुझे अंदर बुलाया, ये मैंने सुना था। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने क्लिंटन को बोला, देखो हमारा नितिन, ये सब फ्लाईओवर आपने देखे एयरपोर्ट से, इसने बनाया है, रोड बनाया है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बाद में जीवन में हर बार सपोर्ट करते रहे। जबकि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उनको लगा कि मैं परास्त हुआ हूँ, क्या मैं हार गया हूँ, पर ये जीत गया। पर उनके पूरे बोलने में इसके प्रति दुख नहीं था, एक अभिमान था। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। अब जो कहानी हुई उसकी बात अलग है। फिर मैंने मुकेश और अनिल को पूछा तो धीरू भाई 9 बजे सो जाते थे, तो क्लिंटन जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान के उस समय मिलिट्री शासक को कहा कि इनको जाने दो। उनके दबाव के कारण उनका हवाई जहाज उड़ा, वो निकल गए। और उन्होंने रात को 11 बजे धीरू भाई को फोन किया था कि मैंने तुम्हारा काम किया, पर वो सोए थे, ये मुझे अनिल ने बताया। और फिर दूसरे दिन उनकी बात हो गई तो क्लिंटन ने उनको कहा था कि धीरू भाई तुमने कहा था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो एक प्रकार से ये जो बड़े व्यक्ति है इनकी पर्सनैलिटी की कुछ विशेषता होती है। और ये जो गुणवत्ता होती है तो ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके वजह से हम कहते हैं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, और उसके साथ एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केटेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, प्रॉफिट मिला, ये सब तुम टेक्निकली दुनिया भर की बातें सुनोगे, पर आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, आप अच्छे संवेदनशील इंसान नहीं होंगे आपके लीडरशिप में, तो तुम्हारी ये सब क्वालिटी जो है ये सेकेंडरी हो जाएगी। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में जीवन मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आइदर लीडरशिप इन पॉलिटिक्स और इन बिजनेस, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और उसमें वैल्यूज जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी और गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल। और शॉर्टकट मारते रहोगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो लॉन्ग टर्म पर ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना, आर्टिफिशियल शो नहीं करना, नेचुरल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दो बार झूठी बातें लेकर लोगों को आप गुमराह कर सकते हैं, पर हर समय नहीं कर सकते। तुम्हारी बेसिक पर्सनैलिटी में ये ह्यूमन वैल्यूज का संस्कार अगर होगा और वो नॉलेज, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के साथ जुड़ा होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन और अच्छा बनेगा। और इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे रखिए। मैं PWD मिनिस्टर था तो मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं और मैं ये 7 वर्ड रिकॉर्ड हो गए। मुझे नहीं है, बट एवरी वन इज गिविंग क्रेडिट टू मी, दैट क्रेडिट गोज टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, रात दिन काम कर रहे हैं। मैं तो मेरी कहानी बताता हूँ कि मैं 75 में हायर मैट्रिक में था तो इमरजेंसी जाहिर हुई तो मेरा स्कूल के बजाय मैं वो इमरजेंसी के खिलाफ काम करने में JP के आंदोलन में मैं लग गया। तो मैं साइकिल स्टाइल मशीन रहती थी, अब आपने शायद देखी नहीं होगी, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, उस पर वो लगा के झटके मार के वो कॉपी निकालते थे सरकार के खिलाफ और बांटने के लिए मैं पहुंचा देता था लोगों के पास। तो मेरा ध्यान उस समय थोड़ा शिक्षा में कम हुआ तो मुझे 52% मैट्रिक में मार्क मिले। और मेरी इच्छा थी, मेरी बहनों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे 52 मिले पर साइंस का 49.26 मिला। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज मेरे परसेंटेज 50% से कम थे। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई, 4 डिलीट महाराष्ट्र की अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है उनकी मिली, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राहुरी की मिली, रामानंद तीर्थ नांदेड़ यूनिवर्सिटी उनकी मिली, और चौथी बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की मिली, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर भारत में उनकी मिली,
और एक आरबी एसबीएम या कोई तमिलनाडु की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके देश में बहुत है, उनकी मिली, पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि तुम इतने चार चार डिलीट मिलने के बाद डॉक्टर क्यों नहीं लगाते हैं? मैं कन्विक्शन कन्विंस हूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत कॉमन हूं, इसलिए मुझे इसकी लगाने की मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहली बात तो ऐसी है कि स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, पॉजिटिविटी इज ए बेसिक स्ट्रेंथ। ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये सबसे आवश्यक है। और ये बात दिमाग से निकाल डाली है कि हमारे यहाँ जो मेरिट में लॉ पास हुआ उसकी प्रैक्टिस नहीं चली, और जो तीन बार फेल हुआ वो हिंदुस्तान का मशहूर वकील बन गया। तो तुम इस इंप्रेशन में मत रहो कि तुम मेरिट में हो सब जगह और इसलिए तुम सक्सेस होंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली क्वालिफिकेशन, इसके साथ बाकी भी बातों को आत्मसात करोगे तो सक्सेस स्टोरी बनेगी। तो ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और मैं सरकार में कहता हूं आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और आज के दुनिया में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। और जिनको एक तारीख को तनख्वाह मिलती है, मैत्री साहब मुझे माफ कर दे, ये सब प्रोफेसर आपके, इनको एक तारीख को तनख्वाह मिलती है, दे नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम। मैंने एक सेक्रेटरी को पूछा, आप बहुत अच्छे हो, बोले क्या हुआ, आपका तो पत्नी से भी ज्यादा आपके फाइल पर प्रेम है। नहीं नहीं सर, ऐसा क्यों? मतलब क्यों तीन तीन महीने क्यों दबा के बैठते हो, इतना क्या प्रेम हो गया आपको उसके साथ? निर्णय क्यों नहीं करते हो? जो करना है करो, डिसाइड करो, निर्णय नहीं। एक तो अलमारी रख देते कि जहां निर्णय नहीं करने वाली फाइल रख देते पूरी, ऐसा मत करिए। क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ क्वालिटेटिव डिसीजंस, एंड टाइम इज द कैपिटल, ये पहले याद रखिए। दूसरी बात, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, जो साहब ने लिखा है यू कैन विन, ये एक कॉन्फिडेंस है, ये एक आत्मविश्वास है, पर ईगो नहीं है। दुनिया में मैं ही होशियार हूं, बाकी सब मूर्ख है, ये समझ के मत चलिए। आप ये समझ के चलिए कि मैं आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, टीम वर्क के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट करते हुए मेरा जो गोल है, कमिटमेंट है, उसके साथ मैं सक्सेस होगा। मुझे बहुत अच्छी बात मिली, एक मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, आज तो हमारे पास बहुत, हमारा फाइनेंशियल मॉडल में पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ कैपिटल मार्केट में तो एकदम पैसे ही पैसे मिलते, वो आपको मॉडल में समझाऊंगा। तो मैं जब 5 करोड़ थे तो मैं पुणे गया था, तो मुझे मीट द प्रेस में कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप खुद बना रहे हैं एमएसआरटीसी? बोला हाँ। कितने दिन में बनाओगे? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? 5 करोड़। काम कितने रुपए का है? 2000 करोड़। कब? 2 साल में होगा? हाँ। तो एक पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस के, गुजर गए, बहुत सीनियर, उन्होंने बहुत इसमें बोला, देखो आप अच्छे व्यक्ति हो पर आप कुछ भी बोलते हो और हमने लिखना चाहिए, ऐसे तुम्हारी अपेक्षा है क्या? बोले नहीं। बोले आपके पास पैसे नहीं, लैंड एक्विशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, दुनिया भर की प्रॉब्लम, एजिटेशन, जुडिशियरी, और तुम बोलते हो 2 साल में होगा? पैसे भी नहीं, जगह भी नहीं, और तुम बोल रहे हो छोटा छोटा काम शुरू किया और बताते हो, कहाँ से होगा? कभी सरकार में समय पे काम होता है क्या? और तुम जो भी बोलते हो हमने लिखना चाहिए, क्या है तुम्हारे पास कि ये हो सकता है? तो मैंने एक बात मेरे मुंह से निकल गई, वो आप जरूर याद रखना, जिनको लग गई होगी टोपी वो नाराज मत हो। मैंने कहा था इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। और मुझे पता है तुम्हारे यहां कितने सेमिनार होते हैं, फुकट का टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ गावरानी भाषा में कहते खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा अठन्ना। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, यह आवश्यक भी है। निर्णय करो, और इसलिए तुम्हारा जो गोल होगा उसके प्रति तुम्हारी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होगी और तुम्हारी कमिटमेंट होगी, द स्काई इज द लिमिट। ऑब्स्टेकल सब जगह है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि जितने लोग हैं उतने प्रश्न हैं। तो
तो समस्या सब जगह पर है, हर जगह पर समस्या है। मैं नागपुर में मेरे घर के सामने यहां सिटी एरिया में एक रोड बना रहा हूं 2 किलोमीटर, इतनी कोर्ट केस, इतने विवाद, इतना करते करते, मैं बहुत ओल्ड नागपुर में रहता हूं तो 9 साल निकल गए। 2 किलोमीटर रोड है, 9 साल। और दिल्ली मुंबई हाईवे 1386 किलोमीटर, कॉस्टिंग 1 लाख करोड़, मैंने लगभग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने 1 लाख करोड़ का रोड 2-2.5 साल में बना लिया। पर मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर रोड अभी भी काम चालू है, कई बाग रोड करके यहां तो ऑब्स्टेकल्स है। तो मैं लोगों का अक्सर एक बात बता दूं, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो समस्या से डरो मत, उसको स्वीकार करो और समस्या को सुलझाने की ताकत रखो, आत्मविश्वास से उसको फेस करो। और तुम्हारी कमिटमेंट अगर सही होगी तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। तो जो प्रैक्टिकल ग्रासरूट रियलिटी है, जीवन है वो, और ऑफिस में बैठकर चला हुआ प्रोफेशनल जीवन में बहुत अंतर है। और जब आप प्रोफेशनल बिजनेस लीडरशिप में बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे, बहुत से हमारे आईएम के लड़के अब अमेरिका में अनेक कंपनियों के सीईओ बन गए। तो मैं अक्सर एक बात, वो एक आदमी अच्छा आया तो डिपार्टमेंट सुधर जाता है, एक आदमी। और एक आदमी अगर गलत आ गया तो पूरा डिपार्टमेंट डुबा देता है। तो एक आदमी की सोच, उसका व्यक्तित्व, उसकी गुणवत्ता, उसकी विजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन इज ए प्रॉब्लम। और मैं दूसरी बात को अक्सर कहता हूं कि अभी हमने कचरे पे मैं काम करता हूं, पानी पे काम करता हूं, काफी मेरी अपने इंटरेस्ट के विषय होते हैं। तो हमने दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं UR2, जो पानीपत से आता है पेरिफेरल रोड के बाद है, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अभी रोड दिसंबर में पूरा हो जाएगा, वहां से 15 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे। और वो शिव मूर्ति है, वहां से हमने रोड के अंदर में 8 लेन टनल बनाई, तो T3 पे जाती है और एक वसंत विहार जाती है, ऊपर में भी 16 लेन। वो इसलिए मुझे याद है कि मुझे दिल्ली ज्यादा मालूम नहीं, मैं वहां एक बार शादी में गया था, और रोड पर 5-6 शादी के मंडप है, आप शायद जानते होंगे। तो वहां मैं 2.5 घंटा अटका रहा ट्रैफिक जाम में। मैंने बोला आप किसी की भी शादी हो जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा, इतना ट्रैफिक जाम। वो रोड मैंने भी 16 लेन किया है, और वहां से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली जयपुर, और मैं अब दिल्ली जयपुर को इलेक्ट्रिक हाईवे केबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। और कल मैंने टाटा के साथ बैठकर लगभग प्रोजेक्ट फाइनल किया कि वो 3 इसकी बस होगी, एक के जुड़कर ऊपर रेलवे जैसा कनेक्शन होगा केबल के साथ, और उसका बिजनेस क्लास की सीट होगी, सामने फिल्म देख सकते हो, लैपटॉप लगा हुआ है, एक स्क्रीन होगा, एयर होस्टेस होगी, और बिजनेस क्लास की सीट होगी। और दिल्ली से जयपुर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जाएगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 25-30% कम होगा।